नुह विधानसभा में इनेलो बसपा प्रत्याशी का दिन प्रतिदिन जनाधार बढ़ता जा रहा है। लोगों में खास तौर से युवाओं में इतना जोश व उत्साह पहली बार देखने को मिला। आज शनिवार को चौधरी ताहिर हुसैन गांव शाहपुर नंगली पड़ली नलहड़ नुह शहर में कई जगह जनसभाओं को संबोधित किया। लोगों ने जनसंपर्क कार्यक्रम को जनसभाओं में तब्दील कर दिया। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन को ग्रामवासियों व शहरवासियों ने लंबे काफिले के साथ गाजे बाजे के साथ समर्थन समारोह तक लेकर पहुंचे। चौधरी ताहिर हुसैन ने ग्रामवासियों व शहरवासियों के इस शानदार स्वागत व बेपनाह मोहब्बत व समर्थन के लिए शुक्रिया व आभार जताया। उन्होंने कहा कि आप लोगों के जोश ने विपक्षियों की नींद उड़ा दी है। मुझे व मेरे परिवार को आप लोगों ने मरहूम चौधरी मोहम्मद यासीन खां व मरहूम चौधरी तैयब हुसैन अपार प्यार व समर्थन दिया है। इंशाल्लाह चुनाव तो आप रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। ये जोश हमें आगामी 5 अक्टूबर तक बरकरार रखना है। ताहिर हुसैन का कहना है कि ये आप लोगों का चुनाव है, युवाओं के उज्जवल भविष्य का चुनाव है। मेरा हर कार्यकर्ता अपने आप में ताहिर हुसैन है। मरहूम चौधरी तैयब हुसैन के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हम 36 बरादरी के मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे किसी की कार्यकर्ता को मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों की परछाई बनकर आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। आप लोगों का सुख दुख मेरे सुख दुख है। आप लोगों का जहाँ पसीना बहेगा वहां पर आपका ये भाई बेटा खून बहाने से पीछे नहीं हटेगा। ताहिर हुसैन ने कहा कि प्रदेश में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला व चौधरी अभय सिंह चौटाला को मेवात क्षेत्र की हमेशा फिक्र रहती है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल परिवार का मेवात क्षेत्र से विशेष लगाव रहा है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली रिपोर्ट। ये मामला तो चुनाव आप लोगों ने समझा है या नौ किसी को दो पूरे कल्याण विशोर है या कहे तो ताले हुसैन विधानसभा में जाओ चंडीगढ़ को आप लोगों ने जो ये आपको बहुत शुक्रिया अदा करूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छी जब आप लोग खुद एक कैंडिडेट के रहते हैं।